हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विवेक धरी, इंस्ट्रक्टर बी आई सिंदरी। तो यहां तक हम लोग सर्किट पिछला वीडियो में डिजाइन कर चुके थे, तो आइए आज हम लोग इसका गर्बर फाइल जनरेट करना सीखते हैं और कॉपर कैम के थ्रू जी कोड जनरेट करेंगे और पीसीबी डिजाइन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस सर्किट को चेक करेंगे। तो यहाँ टूल में जाएंगे और डीआरसी करेंगे और यहाँ पे चेक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीन एरर शो कर रहा है, तो इस एरर को हम लोग पहले रिमूव करेंगे। तो यहाँ मूव में क्लिक करके इसको यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको डायमेंशन को बढ़ा देंगे। फिर हम लोग टूल पे जाएंगे, फिर डीआरसी करेंगे, फिर चेक। अब देखिए कोई एरर नहीं है। अब इस सर्किट का गर्बर फाइल जनरेट करेंगे। तो यहाँ फाइल में क्लिक करेंगे, कैम प्रोसेसर में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको पुराना ये फाइल था इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बॉटम और यहाँ पे डिवाइस में गर्बर RS-274X इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फाइल में परसेंटेज N.bottom लिखेंगे और यहाँ पे फिर बॉटम पेड अभ्यास यहाँ पे सेलेक्ट करके तीनों सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्रिल पहले हम लोग कट लेंगे उसके बाद ड्रिल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कट, उसके बाद यहाँ पे ये गड़बड़ यही रहने देंगे डिवाइस में और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परसेंटेज N.cut और फिर यहाँ डायमेंशन में क्लिक करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे ड्रिल और यहाँ पे चेंज कर देंगे डिवाइस में एक्सलॉन लिखेंगे, एक्सलॉन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे NCD। अब हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ड्रिल और होल्स। अब यहाँ पे प्रोसेस जॉब कर देंगे। तो यहाँ पे इस फाइल को सेव करने बोल रहा है, तो इसको यस कर देंगे, सेव हो गया। उसके बाद इसको हम लोग मिनिमाइज कर देंगे सब। मिनिमाइज करने के बाद जो मेरे नाम से फोल्डर है उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे माय कंप्यूटर में क्लिक करके डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे ईगल में और यहाँ पे मेरे नाम से फोल्डर है तो इसी में देखिए अभी जो गड़बड़ फाइल बनाए थे वो यहाँ पे आ गया है। तो ये कट का है और ये है ड्रिल का और एक बॉटम का है ये। तो यहाँ पे हम लोग का गड़बड़ फाइल जनरेट हो चुका है। तो अब हम लोग इसको मिनिमाइज करके अब कॉपर कैम ओपन करेंगे। तो यहाँ से ये ओपन होने के बाद यहाँ पे फाइल में जाएंगे, ओपन में क्लिक करेंगे और न्यू सर्किट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल फाइल कर देंगे
अब हम लोग जो गर्बर फाइल बनाए थे उसको यहाँ पे लोड करेंगे और जी कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए LDR बॉटम फाइल था, तो इसको ओपन करेंगे। इस तरह का पॉपअप खुलेगा, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे भी क्रॉस कर देंगे। तो ये हम लोग का सर्किट जो डिज़ाइन किए थे सिमेटिक बोर्ड, तो यहाँ पे आएगा। फिर हम लोग फाइल में जा कर के ओपन में क्लिक करेंगे, एडिशनल लेयर करेंगे और अब कट वाला फाइल को यहाँ पे खोलेंगे। तो LDR कट ये वाला है, तो इसको ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बाउंड्री दे रहा है, यहाँ से हम लोग इसको कट करेंगे। तो इसको यहाँ से यस कर देंगे। फिर यहाँ पे फाइल में जाएंगे और ओपन में क्लिक करेंगे और ड्रिल्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे LDR NCD है, तो इसको ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे ये पैड पे ड्रिल सब नहीं आया है, तो इसको यहाँ से नो करेंगे और यहाँ पे कुछ सेटिंग करेंगे। इसको एब्सोल्यूट में क्लिक करेंगे, ट्रायलिंग में क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे। तो देखिए ये अब सारा पैड में आ गया, तो इसको यहाँ से यस कर देंगे। अब फिर हम लोग यहाँ फाइल में जाएंगे और डायमेंशन में जाएंगे और यहाँ से ओके करेंगे। फिर इसको यहाँ पे नो करेंगे, तो देखिए इस तरह से हम लोग का बोर्ड फाइल दिखेगा। अब इसको फाइल में जा कर के पहले हम लोग फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने के बाद फिर फाइल में जाएंगे और यहाँ पे अभी ये बाउंड्री पे टच कर रहा है ये ट्रैक, तो इसको हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे इधर। तो ऑफसेट में जाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट मैनुअली करेंगे और इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे। फिर हम लोग फाइल में जा कर के डायमेंशन में जाएंगे और इसको ओके करेंगे, यहाँ पे नो करेंगे और फिर फाइल में जा कर के इसका ओरिजिन सेट करेंगे। तो ओरिजिन यहाँ पे एक्स और वाई को 0-0 कर देंगे, तो और इसको ओके कर देंगे। तो अब ओरिजिन यहाँ पे हो गया, तो बोर्ड में जब भी हम लोग सेट करेंगे तो ओरिजिन इधर इस साइड रहेगा। फिर फाइल में जा कर के स्केल में जाएंगे और इसको ये बोर्ड का डायमेंशन है, तो इसको यहाँ से ओके करेंगे। तो ये सब सारा सेटिंग करने के बाद अब फिर हम लोग ये पैड और ड्रिल्स का साइज को सेट करेंगे। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे और एडिट ऑल आइडेंटिकल पैड पे क्लिक करके ड्रिल साइज 1.1 mm कर देंगे और यहाँ पे पैड साइज 2.2 mm कर देंगे। इसको ओके करेंगे। इस तरह करके सारे पैड और ड्रिल्स को सेट करेंगे।
सारे पेड्स और ड्रिल्स को सेट करने के बाद अब हम लोग यहाँ से गर्बर फाइल जनरेट करेंगे। तो यहाँ डिस्प्ले में पहले क्लिक करेंगे और लेयर 5 का हम लोग जी कोड जनरेट करेंगे। तो ड्रिल्स का पहले जी कोड जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे लेयर में क्लिक करेंगे, अब मशीन में क्लिक करेंगे, मिल पे क्लिक करेंगे। तो अभी जो हम लोग का जी कोड होगा ड्रिल्स का होगा, तो यहाँ पे ड्रिलिंग सेट करके इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ये जी कोड जनरेट हो गया। तो इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे G00Z2 में इंटर करके यहाँ पे लिख देंगे, कैप्स लॉक में लिखेंगे G00X00Y00। यहाँ पे लिख करके इसको फिर सेव करेंगे। तो यहाँ सेव फाइल में जा करके सेव एज में क्लिक करेंगे और कोई एक फोल्डर बनाएंगे, उसी फोल्डर में इसको सेव करेंगे। तो अभी हम एक फोल्डर बनाए हुए हैं, उसी पे हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे ड्रिल 1 नाम से सेव कर देते हैं, तो इसको सेव कर देंगे। फिर डिस्प्ले में जाएंगे, लेयर 6 कट है, ये बाउंड्री का कट करने का है, तो यहाँ पे लेयर 6 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर मशीन में जाएंगे, मिल में जाएंगे और अब कट का जी कोड जनरेट करेंगे। इसको यहाँ से ओके करेंगे, तो ये कट का जी कोड है। फिर यहाँ पे G00Z2 में जा करके इंटर करेंगे और यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे G00X00Y00। फिर इस फाइल को सेव करेंगे, तो यहाँ फाइल में क्लिक करके सेव एज करेंगे और फोल्डर में सेव कर देंगे। इसको कट 1 नाम से सेव कर देंगे, इसको क्लोज करेंगे। पहले डिस्प्ले में जा करके लेयर 1 कर देंगे, फिर मशीन में जाएंगे, कंट्रोल्स में जाएंगे, कैलकुलेट कंट्रोल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसिव कंट्रोल्स, तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो थोड़ा सा डीप इंग्रेविंग होगा, और 1 रखेंगे तो इंग्रेविंग डीप नहीं होगा, तो इसको 2 रखेंगे, इसको ओके करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग का इंग्रेविंग करने के बाद इस तरह से पीसीबी दिखेगा। तो अब हम लोग इसका भी जी कोड जनरेट करेंगे। तो यहाँ मशीन में जाएंगे, मिल में जाएंगे और यहाँ पे इंग्रेविंग पे क्लिक करेंगे और इसका जी कोड जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे ओके करेंगे, तो ये इसका जी कोड है। तो फिर इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे G00Z2 में इंटर करके यहाँ पे लिख देंगे G00X00Y00 और फिर इसको भी सेव कर देंगे। तो यहाँ फाइल में जा करके सेव एज करेंगे। इंग्रेविंग 1 नाम से सेव कर देंगे। अब ये सेव होने के बाद अब हम लोग इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। अब इंग्रेविंग को ऑटो लेबलिंग करेंगे, तो यहाँ ऑटो लेबलर पे क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद
यहाँ पे लिनक्स है तो इसको हम लोग मैक 3 कर देंगे। और यहाँ ब्राउज जी कोड पे क्लिक करके इनग्रेविंग वाला TXT फाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इनग्रेविंग 1 करके है तो ये फाइल को TXT फाइल है, इसको ओपन करेंगे। तो अब इसको हम लोग क्रिएट लेवल जी कोड कर देंगे। तो देखिए जी कोड ये लेबल कर दिया, तो इसको यहाँ से सेव कर देंगे। अब इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे मैक 3 मिली मशीन सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग सब डिसेट कर देंगे। और यहाँ पे जेड में क्लिक करके इसको +2.00 यहाँ पे सेट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे जी कोड अपलोड करेंगे। तो यहाँ फाइल में जाएंगे, लोड जी कोड करेंगे। तो यहाँ पे टेप फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ LN टेप 1 करके था हम लोग जो सेव किए थे ऑटो लेवलर के थ्रू, तो इस फाइल को यहाँ पे ओपन करेंगे। तो 1 को हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। तो देखिए ये ओपन होने के बाद हम लोग का यहाँ पे जी कोड ओपन हुआ। तो यहाँ पे देखिए वो फाइल हम लोग का जो बोर्ड है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, कहाँ कहाँ इनग्रेविंग होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो अब आइए अब हम लोग मशीन में चलते हैं और मशीन में कुछ सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मशीन में ये ऑन रहेगा तो मैनुअल मोड होगा और ये ऑफ रहेगा तो PC मोड। तो अभी यहाँ पे मैनुअल मोड कर देंगे और ये स्पिंडल मोटर को ऑफ रखेंगे और ये मैनुअल कंट्रोलर पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग एक्सिस सेट करेंगे। तो अभी यहाँ पे XY यहाँ पे अभी हम लोग 0-0 करेंगे। तो अभी X और Y 0 है, Z को अभी हम लोग Z सेट करेंगे। तो Z जो है इसको क्रोकोडाइल क्लिप को यहाँ लगाएंगे और ये सेंसर को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और इसको धीरे धीरे जेड पे क्लिक करके धीरे धीरे नीचे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली PCB बोर्ड में टच होगा और ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे धीरे धीरे इसको रोटेट करते जाएंगे। तो देखिए ऊपर आ गया। अब हम लोग फिर यहाँ पे जेड को जो है 2 पे सेट कर देंगे। और इसको यहीं पे रहने देंगे। और यहाँ पे अब हम लोग इसको PC मोड कर देंगे और स्पिंडल मोटर ऑफ रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे साइकिल स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ से अब साइकिल स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए ये साइकिल स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये टेस्ट करने लगा है, कुछ पॉइंट को ये टेस्ट करेगा। उसके बाद फिर ये इनग्रेविंग करेगा। Thank you.
ये टेस्ट करने के बाद अब हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे मोटर को अब ऑन कर देंगे। ये मोटर अभी ऑन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे फिर से साइकिल स्टार्ट कर देंगे तो ये इंग्रेविंग करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे साइकिल स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए ये इंग्रेविंग करना स्टार्ट कर दिया। ड्रिल बिट लगाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्रोकोडाइल क्लिप को लगा देंगे, इस सेंसर को यहाँ पे लगा देंगे और फिर यहाँ पे जेड पे क्लिक करके और यहाँ पे मैनुअल मोड है, मैनुअल मोड है तो उसको हम लोग मैनुअल मोड करके इसको रोटेट करेंगे और फिर पीसीबी बोर्ड में टच करेंगे। तो फिर ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। ओके ऊपर आ गया। अब फिर हम लोग यहाँ पे जेड को 2 पे सेट कर देंगे।
Z2 पे सेट करने के बाद अब हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे और फिर यहाँ पे PC मोड कर देंगे और इसको रोटेट करेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे फाइल में जा कर के क्लोज ऑल फाइल करेंगे और अब ड्रिलिंग का कोड को अपलोड करेंगे। तो यहाँ फाइल में जाएंगे, लोड जी कोड करेंगे और यहाँ पे फाइल में जाके ऑल फाइल कर देंगे और यहाँ पे ड्रिल 1 नाम से है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ से साइकिल स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग का जी कोड रन कर रहा है। तो देखिए सारे पॉइंट को ड्रिल कर दिया। ड्रिल होने के बाद हम लोग का इस तरह से ये बोर्ड फाइल दिखेगा। अब इसको हम लोग कटिंग करेंगे, बोर्ड को कट करेंगे। तो फिर से हम लोग को इस बीट को चेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग इनग्रेविंग बीट को ही लगा करके कट करेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे इसको मैनुअल मोड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जेड को प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, उसके बाद इस बीट को चेंज करेंगे। तो आइए पहले बीट को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर कटिंग करेंगे बोर्ड को। ये ड्रिल बीट चेंज करने के बाद फिर से यहाँ पे क्रोकोडाइल क्लिप को लगाएंगे और इस सेंसर को यहाँ पे लगा देंगे और फिर यहाँ जेड को प्रेस करके धीरे धीरे इसको रोटेट करेंगे। अब जब ये किसी भी बोर्ड में टच होगा, उसके बाद हम लोग ये जब ऊपर आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे 2 सेट कर देंगे। ये ऊपर आ गया, अब यहाँ पे हम लोग 2 सेट कर देंगे।
करके टू सेट करने के बाद इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे पीसी मोड करेंगे और मोटर को भी रोटेट कर देंगे, ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग फाइल में जाएंगे, क्लोज फाइल्स कर देंगे और फिर यहाँ पे फाइल में जा कर के लोड जी कोड करेंगे और अब हम लोग कट वाला फाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये कट वन फाइल को यहाँ से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे साइकिल स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए ये कट करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये बोर्ड को कट कर देंगे। ये बोर्ड को कट कर दिया। अब मोटर को ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद अब हम लोग इस बोर्ड को निकालेंगे और सोल्डिंग करेंगे। और इस बोर्ड को निकालते हैं, उसके बाद हम लोग को दिखाते हैं ये बोर्ड किस तरह से दिखेगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग का ये प्रोडक्ट दिखेगा इनग्रेविंग कटिंग ड्रिलिंग करने के बाद। ये हम लोग का पीसीबी बोर्ड इस तरह से डिजाइन होगा। इधर हम लोग कंपोनेंट लगाएंगे और इस साइड सोल्डरिंग होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कंपोनेंट लगा करके सोल्डरिंग करना भी सिखाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।